ISP एक वृहद उत्पादन वाला क्षेत्र है। यहाँ होने वाले उत्पादों की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उसकी मांग भी उतनी ही होगी। इसलिए यहाँ के कर्मचारीगण इन सारी बातों पर विशेष ध्यान रखते हैं ताकि संयंत्रों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए CCP यानी कंटिन्यूअस कास्टिंग प्लांट में एक नया सिस्टम लेडल बाउंड्री डिटेक्शन सिस्टम डेवलप किया गया। हमारे पास 2 6-strand कास्टर्स हैं, इसमें अलग अलग ग्रेड के स्टील बनते हैं और क्योंकि ये कंटिन्यूस कास्टिंग प्लांट है तो इसमें ये डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल होता था कि जब 2 अलग अलग ग्रेड के हीट बनते थे तो उसमें से कहाँ पे कोई हीट एंड होता था और दूसरा हीट स्टार्ट होता था। तो ये सिस्टम पहले यहाँ प्रोवाइड नहीं करी जाती थी, उसके वजह से कन्फ्यूजन होता था और गलत बिलेट मार्किंग होता था, गलत बिलेट डिस्पैच हो जाता था और दैट वॉज लीडिंग टू मटेरियल रिजेक्शन एट कस्टमर्स एंड। सो इन ऑर्डर टू कम आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम फ्यू एक्शंस ऑलरेडी यू हैव टेकन। लेटेस्ट वन एक्शन वी हैव टेकन, वी हैव मॉडिफाइड समथिंग इन द PLC। इन PLC व्हाट इट इज डूइंग थ्रू द HDMI कनेक्शन इन द ट्रांडिस इटसेल्फ, व्हेन देयर इज ए मिक्सिंग ऑफ मेटल दैट टाइम इट विल क्रिएट ए पल्स एंड विद दैट पल्स इट विल इंडिकेट द बिलेट, इट विल गिव दैट पर्टिकुलर बिलेट ए डिफरेंट ID। सो दैट पर्टिकुलर बिलेट generated from that mixing zone, when it will reach to the end stopper, that particular stand, it will blow some lamp. We have provided 6 lamps earmarked for 6 stands. One is for stand number 1, 2 is for stand number 2, like that. So the moment the billet will reach at the end of that end stopper, that particular stand, it will give some indication and the lamp will blow. By seeing that, the people who is doing the manual marking will just put some mark, give some indication and easily separate the heat ID. So by adopting this method, we are very much confident that we will clearly isolate the different grade casting.